वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए दिस लाइन सी टू दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरेन। नो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर That is the best reducing agent and very very strong reducing agent। तो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आता है, और जरूर आएगा बेटा एग्जामिनेशन में, NCERT ओल्ड NCERT का पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 375। तो न्यू NCERT में 8-10 पेज आगे दिया होगा, 384-83 के आसपास, राइट। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जब भी आता है तो बच्चा LiALH4 को ही टिक करके आता है। बट सी माई डियर स्टूडेंट्स, NCERT में कितना क्लियर कट लिखा है, बेटर विद डाइबोरेन। अब आप अगर रट्टा मारोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि बेटर कौन था, LiLH4 था या डाइबोरेन था। डाइबोरेन के बेटर होने के लिए अल्कोहल का रिडक्शन, सॉरी एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके जो प्राइमरी अल्कोहल वी आर गोइंग टू गेट, दिस डाइबोरेन B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, वाई इट इज द बेस्ट। क्या इसकी ताकत ज्यादा है? आइए समझते हैं। एक और बात लिखी है NCERT में ही, वहां से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों NCERT ने लिखा है। ये देखिए NCERT की इस लाइन को पढ़िए आप, दिस इज पेज नंबर 322, राइट। बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स हम एल्कोहल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी प्राइमरी एल्कोहल एसिड से बनाया जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, हाउ टू डू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इंटू एसिड। अब हम वापस एसिड से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, अपनी अपनी ज़रूरत की बात है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एल्कोहल्स इन एक्सीलेंट ईल्ड्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए यहाँ लिख रहा है कि एक्सीलेंट ईल्ड मिल रही है प्राइमरी अल्कोहल की, अगर हम रिएक्शन करें एसिड का LiLH4 एंड वाटर से, तो वी आर गोइंग टू गेट एक्सीलेंट ईल्ड। देखिए यहाँ एक्सीलेंट ईल्ड लिख रहा है और वहाँ लिख रहा है बेटर कौन है, B2H6। तो बच्चा कहता है करे तो करे क्या, वो अगर NCERT पढ़ भी लेता है तो उसके कुछ समझ में नहीं आता। इसी बात के लिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए नीचे लाइन लिखी है, हाउ एवर LiALH4 इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, बहुत महंगा है, एंड देयर फॉर यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। अब इतना बात तो लिख दिया, लेकिन हमारी तो समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। Commercially, acids are reduced to alcohol by converting them to esters, followed by their reduction using hydrogen in the presence of catalyst this and so on। भाई माई डियर स्टूडेंट, बिल्कुल कन्फ्यूजिया दिया है इस NCERT ने, हमें कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, कैसे बनाएं हम, हमारी समस्या का समाधान अभी भी नहीं हो रहा है। अब देखिए, अभी मामला यहीं पे शांत नहीं हुआ है, मामला अभी कहीं और भी दिया होगा कि एस्टर बना लें पहले, अल्कोहल बनाने से पहले एसिड को अगर हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर लें तो अच्छा होगा, ऐसा भी लिखा होगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, तब सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ओके, पहले मैं देख लेता हूँ कि दिया है कि नहीं दिया है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको अपनी तरफ से बताऊँगा। चलिए यहाँ पर तो मिल नहीं रहा, बट NCERT में समवेयर इट्स गिवन, राइट। चलिए उस बात पे कि NCERT ने लिखा है, इट्स बेटर टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर बिफोर प्रिपेयरिंग देम इनटू अल्कोहल। ये मुझे मिल नहीं रहा है, बट NCERT में कहीं पर लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले किस में कन्वर्ट कर ले, एस्टर में। चलिए नहीं मिल रहा है, बट डेफिनेटली इट इज़ गिवन समवेयर। आइए सारी बातों का समाधान मैं बताता हूँ। देखिए बट चलो,
हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH अपना प्रोटॉन लूज करेगा और LiAlH4 हाइड्राइड डोनर होता है, बेस्ट हाइड्राइड डोनर। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन और LiAlH4 का H नेगेटिव दोनों मिलके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। हमारा काम तो हुआ ही नहीं, हमने तो LiAlH4 को किस लिए ऑप्ट किया था, इतना महंगा रिएजेंट लेकर आए कि भैया तू कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन वो LiAlH4 तो किसी और काम में बिजी हो गया। वो क्या काम करने लगा, उसने तो हाइड्रोजन गैस बनाने का काम शुरू कर दिया। ये तो हमारा धंधा ही चौपट हो गया। हमने मशीन अपनी लगाई, अपनी इंडस्ट्री लगाई कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भैया अल्कोहल बनाएंगे और LiAlH4 हाइड्रोजन गैस रिलीज करने लगा। अल्कोहल की जगह अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो कितनी ख़राब बात हो जाएगी। इसलिए LiAlH4 को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम एस्टर में पहले कन्वर्ट कर लें तो डेफिनेटली वो काम अपना अच्छे से कर पाएगा, बिकॉज एस्टर्स एसिड नहीं होते हैं, दे कैन नॉट रिलीज प्रोटॉन। तो LiAlH4 भी अपना काम शानदार तरीके से करेगा। एक और बात है, डाइबोरेन डज नॉट ईजली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स। पहले तो इस लाइन का मतलब समझें, डज नॉट ईजली रिड्यूस, इसका मतलब ये है कि थर्मोडाइनमिकली तो ये रिड्यूस करेंगे इन ग्रुप्स को, एस्टर, नाइट्रो एंड हेलो, बट केमिकल काइनेटिक्स कहती है कि इनका रेट ऑफ रिडक्शन इज दैट स्लो कि वो जल्दी ये काम नहीं कर पाएंगे। कौन? डाइबोरेन। डाइबोरेन मतलब एस्टर, नाइट्रो ग्रुप और हेलोजन ग्रुप का रिडक्शन ईजिली नहीं करता है, मतलब बहुत दिन लगाएगा। तब तक तो हमारा एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका होगा और हमें शानदार अल्कोहल की प्राप्ति भी हो चुकी होगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डाइबोरेन प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत शानदार तरीके से बनाता है और साथ ही साथ एस्टर, नाइट्रो एंड हेलो ग्रुप्स को इफेक्ट नहीं करता है, जबकि LiAlH4 नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके अमीन बना देगा, हेलोजन का रिडक्शन करके एल्केन बना देगा एंड एस्टर ग्रुप्स का रिडक्शन ईजिली करके प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। लेकिन डाइबोरेन इज़ वेरी चूजी, वेरी सेलेक्टिव। वो कहता भैया हमने तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक करना है, बाकी ग्रुप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सेफ हो। यानी कि किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एस्टर भी है, नाइट्रो भी है, हेलो भी है, और अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कि बस कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल, अदर ग्रुप्स आर रिमेंड अनअफेक्टेड, सो विच रिएजेंट यू आर गोइंग टू यूज़, LiAlH4, H2 निकल, NaBH4 और B2H6। सो योर आंसर शुड बी B2H6, क्योंकि H2 निकल भी बाकी ग्रुप्स को इफेक्ट करेगा, NaBH4 बहुत ही सेलेक्टिव है लेकिन वो भी इन ग्रुप्स को इफेक्ट जरूर करता है, और नहीं भी करता तो एसिड को तो कुछ नहीं करेगा, क्यों? एसिड से अल्कोहल बना ही नहीं पाता है कौन? NaBH4। अगर इन ग्रुप को इफेक्ट नहीं कर रहा तो वो एसिड को भी नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर है B2H6। अगर आपको बात समझ में आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएंगे।